कैसे हर व्यक्ति मानसिक बीमारी से अपने आप को बचा सकता है, कैसे मानसिक बीमारी से आप दूर रह सकते हैं, ये भी तरीका आपको बताया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो आप कभी भी कोई भी मानसिक बीमारी के शिकार नहीं होने वाले। मानसिक बीमारी क्या है? मानसिक बीमारी एक एहसास है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया एक एहसास है। ये एहसास थोड़ा बहुत हर व्यक्ति के अंदर होता है, हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी समस्या महसूस करता ही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब लंबे समय तक नेगेटिव एहसास में रहता है, यानी कि बहुत लंबे समय नेगेटिव थिंकिंग करता है, बहुत लंबे समय एंजाइटी महसूस करता है, बहुत लंबे समय डरा हुआ, घबरा हुआ, फोबियाग्रस्त रहता है, तो ये फीलिंग इसके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है। एक बार कोई भी फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है तो ये परमानेंटली हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए आपका ये सोच बन गया है, लाइफ टाइम के लिए आपका सोच बन गया, लाइफ टाइम के लिए आपका ये फीलिंग बन गया। इसके बाद चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ खाते हैं, कितने मंत्र तंत्र करवाते हैं, चाहे कितना भी आप इलाज करवाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग ट्रांसफर हो चुका है वो कभी इस तरह से डिलीट नहीं किया जाता, यानी मेडिसिन से या कोई और तरीके से, टोटके से आपका फीलिंग आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी सोच आप बदल नहीं सकते, और इसलिए कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता है। अब ठीक होने का तरीका क्या है? ठीक होने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव एहसास चला गया है उसको रिमूव करना है, उसको डिलीट करना है सबकॉन्शियस से, और इसकी जगह पे पॉजिटिव फीलिंग माइंड में ट्रांसफर करनी है। पॉजिटिव फीलिंग यानी खुशियाँ, प्रसन्नता, उत्साह, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करेंगे तो आपका जो नेगेटिव फीलिंग है धीरे धीरे माइंड से रिमूव होता जाएगा, माइंड से डिलीट होता जाएगा, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव फीलिंग भर जाएगा। और ऐसे पॉजिटिव फीलिंग भर दिया तो आप मानसिक बीमारी से ठीक हो जाएंगे। इसके लिए तरीका ये है कि आपको शेड्यूल बना के सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव भरने का काम करना ही पड़ेगा, एवरी डे, हर रोज ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अब क्या शेड्यूल होना चाहिए? तो इस प्रैक्टिस में जो शेड्यूल दिया जाता है हमारे पेशेंट को, इसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस होता है, अफर्मेशन प्रैक्टिस होता है, NLP प्रैक्टिस होता है, न्यूरो लैंग्वेजिंग प्रोग्रामिंग, इसके साथ हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस बताया जाता है ऑनलाइन में, इसके साथ काउंसलिंग की जाती है जब जरूरत पड़ती हो तो। इस तरह से आप रेगुलर 4 प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो आप माइंड में पॉजिटिव इनपुट करते हैं। माइंड का सिस्टम क्या है कि जो आपने इनपुट किया है माइंड इसके बारे में ही सोचता रहता है, वही चीज़ें माइंड में चलने वाली हैं। सोने से पहले भी आपको 20-25 मिनट का प्रैक्टिस करना है, उसमें भी शेड्यूल है जो आपको दिया गया है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। ये सब चीज़ें आपके माइंड को पूरा दिन पॉजिटिव रखती हैं, मतलब कि आपने दिन में 4 सेशन प्रैक्टिस किया है छोटा छोटा 20 मिनट का, जो आपके पूरे दिन को मेंटेन रखता है, आपको आपके पूरे दिन को पॉजिटिव रखता है, आपकी पूरे दिन की सोच पॉजिटिव रहेगी, उत्साहित रहेगी, आप पूरा दिन उत्साहित रहेंगे, जोश में रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप खुद को रखते हैं तो 100% आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, ना नेगेटिव थॉट्स चलेगा, इससे आप कोई भी मानसिक बीमारी के शिकार नहीं हो सकते। आपको लास्ट में इतना ही समझना है कि मानसिक बीमारी से ठीक होना है तो भी पूरा दिन खुद को पॉजिटिव रखना जरूरी है, इसलिए 4 प्रैक्टिस सेशन होने ही चाहिए। अगर आप कोई मानसिक बीमारी से बचना चाहते हैं तो भी पूरा दिन खुद को पॉजिटिव रखना है, जोश में रखना है, जुनून में रखना है, इसके लिए भी 4 प्रैक्टिस सेशन मिनिमम होने ही चाहिए। अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो इसका तरीका है हमारा सेंटर अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर, आपको ये प्रोवाइड करता है, आपको ये सब सर्विस देता है। जो आपको 4 सेशन का प्रैक्टिस बताया गया है वो कैसे अच्छी तरह से करना है वो सब आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, साथ में रहकर कराया जाता है। यानी कि जो लोग घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, घर पर इसके लिए संभव नहीं है या कोई मुश्किल है, तो उसको 21 दिन के लिए सेंटर पर आना चाहिए। अगर 21 दिन संभव नहीं है तो जितना भी दिन, 14 दिन, 10 दिन या मिनिमम 7 दिन, मिनिमम आप 7 दिन के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड ये समझ लेता है, सीख लेता है ये प्रैक्टिस कैसे करनी है और इससे क्या हो सकता है, रिजल्ट भी आपको महसूस होने लगता है। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, बिल्कुल कारगर तरीका है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस प्रैक्टिस से, क्योंकि हम बहुत सालों से ये प्रैक्टिस देते हैं सेंटर से भी और ऑनलाइन भी। लेकिन जो लोग घर पे हैं, अब उसको पता नहीं है कि बहुत लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं,
बहुत लंबे समय से उलझ रहे हैं अलग अलग इलाज में, मंत्र तंत्र में, झाड़ फूक में, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है कि आप आपकी मानसिक बीमारी का इलाज कैसे करेंगे, सही तरह से इलाज कैसे करेंगे, आपकी दवाइयाँ कैसे छूटेगी, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है, पूरा सहयोग किया जाता है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप भी समझिए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, या इस तरह की प्रॉब्लम किसी को है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पता चले कि मानसिक बीमारियाँ ऐसे भी ठीक होती हैं।